आप देख रहे हैं कुक स्मार्ट और मैं हूं संजीव कपूर। भाई एकदम बढ़िया फेस्टिव सीजन है और फेस्टिवल के अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो आप घर पे बना सकते हैं। और घर पे बनाने के लिए तो क्या करते हैं कि एक आध चीज बनाते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा लोगों को टेस्ट करा सकें। और कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो एक आध दिन तो बना के रखी जा सके, जैसे मिठाइयाँ हैं वो 4-5-6 दिन बना के रखी जा सकती हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ पर जितनी चीजें बनती है ना सारी मिल्क बेस्ड होती हैं। चलिए मिल्क के साथ में कुछ फ्रूट बेस्ड भी करते हैं। और मिल्क और फ्रूट मिक्स कैसे कर सकते हैं? अब देखिए फ्रूट्स में मैंने फिरनी एक स्ट्रॉबेरी के साथ में बनाई थी, बड़ी अच्छी बनती है। मैंगो के साथ में भी आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास फ्रूट है ना वो है सीताफल, शरीफा या कस्टर्ड एप्पल। इसकी आइसक्रीम बड़ी अच्छी बनती है और तो मैंने सोचा कि इसी के साथ में बनाई जाए एक बहुत ही अच्छी डिश, बहुत आसान डिश, सीताफल बासुंदी। जी हाँ, बासुंदी बनाएंगे और सीताफल के साथ में। तो ये यहाँ पर मैंने दूध को रख दिया है रिड्यूस होने के लिए, और ये जो दूध है रिड्यूस होने के लिए आप इसको उबलने के बाद आँच धीमी कर दें और थोड़े थोड़े देर बाद चलाना चाहिए ताकि दूध नीचे चिपके नहीं। अच्छा, कायदे से अगर आपको मैं बताऊं तो जो पैन है ज़्यादा डीप वाला ना लें, थोड़ा फ्लैट पैन लें। मैं दिखाता हूँ कैसा, ये देखिए कुछ इस तरह का पैन लें। इससे क्या होता है कि जो दूध के ऊपर का सरफेस एरिया है ना वो बढ़ जाता है, और जितना ये बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा बढ़िया इसका टेक्सचर। तो ये ले लेते हैं दूध जो है, एक्चुअली मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ इसमें, इसको बस थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहें। और ये जो ऊपर इसके फिल्म है ये जो बनती है ना ये टेक्सचर आता है इस पे। तो ये जो बासुंदी है, दूध आप जब काढ़ते हैं जब भी पकाते हैं तो दूध को उसमें से मॉइस्चर लॉस हो रहा है, तो दूध में जो मिल्क सॉलिड हैं वो कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं। ये जो हमारे पास है ये फल, ये राइप, एकदम राइप होना चाहिए। तो ये देखिए क्या मजेदार। हाँ, अब ये जो पार्ट है ना ये पार्ट थोड़ा सा मुश्किल वाला पार्ट है, मुश्किल नहीं मतलब टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है। टाइम कंज्यूमिंग कैसे, ये जो इसमें है ये हमें निकाल लेना इसमें, ये देखिए इसको छिलका नहीं चाहिए और ये पार्ट निकाल लेना। ये देखिए ये निकालने के बाद फिर इसमें से आपको ये जो बीज है इसके ये निकालने, एक एक करके इसको निकालना पड़ता है। ये देखिए ये इसमें से ये बीज निकाला और अब इसके अंदर चाहिए तो आप ये कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं, नहीं तो इसके बिना भी बनाया जा सकता है। वैसे नॉर्मली ट्रेडिशनली तो इसके बिना ही बनता है ना, लेकिन ये आजकल जो स्मार्ट कुकिंग है वो यही कहती है कि थोड़ा सा डाल ही लीजिए। तो ये याद रखें कि इसके अंदर चीनी भी होती है, तो ये इसके अंदर डाल लिया और थोड़ा ही डालेंगे, इलायची भी डाल देते हैं, इलायची पाउडर, खुशबूदार इलायची, छोटी इलायची। इसको पीसने के लिए इलायची में थोड़ी सी चीनी डाल के मिक्सी में पीस लें, नहीं तो इलायची बहुत कम क्वांटिटी में पीसने में दिक्कत होती है ना, चीनी के साथ में पीस लें। भाई ये हो गया, अब इसके अंदर ये जो है हमारे पास, इसको अब मैं बंद कर देता हूँ, कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी हो गई है। और ये हमारे पास जो बासुंदी है ये इसके अंदर डाल देते हैं और अब ये बन गई सीताफल बासुंदी। और ये इस तरह से ले लिया और इसको किनारे से कर दिया तैयार। इसे मैं इसके अंदर रखता हूँ ये बर्तन के अंदर, ये देखिए सीताफल बासुंदी, टेस्टी डिलिशियस दिवाली के लिए। ये लीजिए, ठंडा करेंगे और फिर मजे से खाएंगे। इसके बाद जरा बादाम चाहिए तो बादाम तो है ना हमारे पास, बादाम प्लांच किए हुए और इसमें पिस्ताशियो, पिस्ताशियो जो है ये लीजिए, बढ़िया से तैयार हो गया।
ठंडा करके फिर इसका मजा लें। ये जो चीज है ना सीताफल बासुंदी, क्या बताएं, अगर ये आपको कोई बना के खिलाए ना तो वाकई उनको प्यार से एक्स्ट्रा एक बार बोलिएगा हैप्पी दिवाली। सीताफल बासुंदी बनाने के लिए 4 पके सीताफल, बीज निकालकर पल्प अलग किया हुआ, 2 लीटर दूध आधा होने तक गाढ़ा किया हुआ, आधा टिन मीठा कंडेंस्ड मिल्क, 1/4 छोटा चम्मच छोटी इलायची पाउडर, 10 से 12 बादाम पतले स्लाइस किए हुए, 10 से 12 पिस्ते पतले स्लाइस किए हुए। सीताफल बासुंदी बनाने के लिए एक चौड़े और उथले नॉनस्टिक पैन में बीच बीच में चलाते हुए दूध गर्म करें जब तक वो कुछ और गाढ़ा हो जाए। अब कंडेंस्ड मिल्क डालें, फिर छोटी इलायची पाउडर और सीताफल का पल्प डालकर अच्छी तरह मिला लें। अलग अलग बोल में डालें, कुछ बादाम और पिस्ता छिड़के एकदम ठंडा करें और परोसें।